आप लोगों को क्लास 11th में सबसे पहले चैप्टर में ये पढ़ाया था, क्वांटिटीज के दो बेसिक टाइप होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज। और बाद में एक और बताया था कि सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये भी दो होती हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, यानी कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल समझते हो, जिसको आप लोग एंगल समझते हो ना, वही प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल का सिंपल मतलब होता है दो लाइन के बीच का एंगल, या फिर अगर ये एक सर्कल है, इफ इट इज अ सर्कल, तो सर्कल का कोई भी आर्क जो है, ये इतना बड़ा सर्कल का आर्क है, सर्कल का आर्क उसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है, दिस एंगल थीटा इज नोन एज प्लेन एंगल। भाई ये रेडियस होगा, तो आप सबने ये फार्मूला पढ़ रखा होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये कौन सा एंगल है बेटा, दिस इज प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये दो रेडियस के बीच का एंगल है, दो लाइन के बीच का एंगल है, इसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं, यूनिट होता है रेडियन, पढ़ा होगा आपने। फिर अगला आया, अगर हम इस बार कोई स्फीयर ले लें, अब सोचो दोनों में अंतर होता है, सर्कल और स्फीयर में बनता है, सही है दोनों, लेकिन ये सर्कल है और ये फुटबॉल जैसा है, 3D है। ठीक, तो अगर कोई स्फीयर है तो सोचो स्फीयर की सरफेस पे अगर हम कोई छोटा सा पार्ट ले लें, तो ये छोटा सा पार्ट इसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, दिस कंप्लीट एंगल इज डिनोटेड बाई ओमेगा। सो दिस पार्ट ऑफ द सर्फेस एरिया, अगर हम मान लें कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए, और सोचो अगर ये पार्ट सरफेस पर है, जैसे इमेजिन करो यहां पे फुटबॉल है और ये मैंने इतना केवल पोर्शन लिया, इसका सेंटर पे एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। ठीक, अब ये बताओ इस एरिया से इस सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, रेडियस के बराबर। तो यहां देखने में भले नहीं लग रहा है कि ये रेडियस है, लेकिन बोलो है वो रेडियस ही, बोलो यार, क्योंकि ये जो एरिया मैंने डेल्टा ए लिया है, ये डेल्टा ए कहां पर है, सरफेस पर है। तो अगर इमेजिन करो यहां फुटबॉल है, तो ये सरफेस है, ये इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। क्लियर है, वो 3D एंगल होता है, सॉलिड एंगल जो है दैट इज 3D एंगल। तो ये जो एंगल है इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 11 पास हो ना सब, इधर टॉपर भी है, दैट इज डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, और अगर पूरे स्फीयर के लिए हम गए, फॉर कंप्लीट स्फीयर, अगर पूरे स्फीयर की मैं बात करूं, तो पूरे स्फीयर के लिए बोलो ये सरफेस एरिया कितना होगा, पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा, कितना होगा, बोलो यार, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई डाउट, ये 720 डिग्री है। और यहां पे अगर मैं आपसे कहूं फॉर फुल सर्किल, पूरे सर्किल की अगर हम बात करें, तो बताओ थीटा कितना हो सकता है भाई, पूरे सर्किल के लिए अगर आर्क की लेंथ निकालोगे तो कितनी होगी, डिवाइडेड बाई आर, तो ये कितना होगा, 360 डिग्री, बोलो यार। लेकिन सॉलिड एंगल अगर हम पूछेंगे, तो वो सॉलिड एंगल कितना है, 720 डिग्री। तो क्या सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया, पक्की बात है, जी क्या बेटा, हाँ वही तो रखा है, पूरे स्फीयर का हो गया, नहीं ये मैंने, ये तो पूरा फॉर्मूला हमने बनाया ही है, लेकिन अगर हम पूरे स्फीयर की वजह से टोटल सॉलिड एंगल निकालना चाहेंगे, तो भाई टोटल एरिया रखना पड़ेगा, और वो टोटल एरिया कितना होता है पूरे स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, और उसमें हमने आर स्क्वायर का डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो वो आया कि भाई टोटल पूरे स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे टोटल एंगल कितना होगा, तो पता चला दैट एंगल इज 4 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 720 डिग्री। क्लियर है, स्टे रेडियन ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जो प्लेन एंगल का होता है यूनिट, दैट इज रेडियन, और अगर इसके लिए हम लोग देखें सॉलिड एंगल के लिए, तो दैट विल बी स्टे रेडियन। अब अगर सोचो ये मान लो बॉल है, और अगर जो एरिया है, अभी तक एरिया कहां था, सरफेस पर, जब एरिया सरफेस पे था तो मैंने इतने एरिया का सेंटर पे एंगल निकलवाया था बेटा, ठीक, वो एरिया, वो जो एंगल था, दैट एंगल वॉज ओमेगा, दैट वॉज सॉलिड एंगल। क्लियर है, अब इमेजिन करना,
अगर जो एरिया है, जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, वो सरफेस पे ना होकर के ऐसा हो, सरफेस पे ना होकर ऐसा हो, लेट अस सपोज ये हमारा एरिया है डेल्टा ए, और अब हमें इस एरिया की वजह से सॉलिड एंगल निकालना है, तो क्या होगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी तक इस फॉर्मूले में जो एरिया था वो एरिया ये था, दैट वॉज ऑन द सर्फेस, ये तो इस एरिया ने जो एंगल बनाया दैट एंगल वॉज ओमेगा, दैट वॉज डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं कंसीडर्ड एरिया ऐसा मान रहा हूं विच इज टेंजेंशियल टू द सर्फेस, तो अब क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? दैट विल बी टेंजेंशियल टू द सर्फेस, तो अब क्या होगा बताओ भाई? इस बार समझिएगा, इस बार जो एरिया हमने कंसीडर किया वो ये है, सही है? दैट वॉज लाइक दिस, टेंजेंशियल टू द सर्फेस, अभी तक ऐसा था और अभी कैसा है? ये है, टेंजेंशियल है सर्फेस, ऐसा एरिया है। अगर इस तरह का एरिया होगा तो हमें इस एरिया का क्या करना पड़ेगा? कॉम्पोनेंट। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो हमें उसके क्या करना पड़ेगा? कॉम्पोनेंट। अगर हमारा कंसीडर्ड एरिया डेल्टा ए ये है, तो इस बार ये वाला एरिया जो सरफेस पे होगा वो कितना होगा? दैट विल बी डेल्टा ए कॉस थीटा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो भाई समझिएगा जरा, ये सरफेस है ठीक, अगर एरिया ऐसा है तो एंगल कुछ तो है, अगर वो थीटा है तो एक कंपोनेंट बोलो इधर होगा कॉस वाला और एक इधर होगा, पक्की बात है। तो हमने क्या किया, हमने एरिया का वो कंपोनेंट निकाला जो सरफेस पर है, और अब बोलो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? अपॉन, कोई डाउट हो बताइए। दैट मींस इफ एरिया इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर हमारा कंसीडर्ड जो एरिया है वो स्फीयर की सरफेस के टेंजेंट की डायरेक्शन में हो, तो ऐसे में ओमेगा की वैल्यू बोलो डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, और ऐसे में टोटल एंगल अगर हमें फिर से निकालना होगा तो दैट विल बी अगेन 4 पाई। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जब भी हम लोग सॉलिड एंगल निकालेंगे तो एरिया कहां पर होना चाहिए? That must be on the surface of the sphere. और अगर वो surface पर नहीं है, ऐसा है, तो फिर हम उसके क्या करेंगे? Component लेंगे भाई। हम वो component लेंगे जो इसकी surface पर होगा, ठीक है? और किसी भी closed surface के लिए total area बोलो कितना होता है? Total angle कितना होता है? So for any closed surface, total सॉलिड एंगल विल बी इक्वल टू 4 पाई। कोई डाउट हो तो बताइए। तो आप इसमें डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाई एरिया या एंगल सबटेंडेड बाई अ पार्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एट इट्स सेंटर इज नोन एज सॉलिड एंगल, एंड फॉर्मूला इज डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर, डेल्टा ए सरफेस एरिया, ध्यान रखिएगा। अगर कोई टेंजेंशियल एरिया है तो फिर हम उसका कंपोनेंट लेंगे, और डायग्राम में हमने आपको बताया, रियलिटी में भी बताया कि वो क्या चीज है, क्लियर है? तो हमने वो एरिया लिया जो बेटा उसके सरफेस पर था।